जीतों स्थित नई अनाज मंडी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि विधायक जसवीर देशवाल ने शिरकत की। पतंजलि योग पीठ से आई बहन संतोष देवी ने लोगों को योगासन करवाए और मौजूद लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बच्चों द्वारा नगर में योग यात्रा निकाली गई, जिसे SDM मंदीप कुमार ने झंडी दिखाकर रवाना किया। चलिए दिखाते हैं अपने संबोधन में विधायक जसवीर देशवाल व SDM मंदीप कुमार ने क्या कहा। प्रधानमंत्री जी को ये स्वागत है। प्यारे बच्चों, योग से इतनी संख्या में व्यक्ति बड़ा स्वस्थ निरोग रह सकता है, तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जा रहा है। ये पूरे विश्व में बच्चे अपने जीवन में योग को पाएंगे, ये सोच है। इसकी वजह से हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर नौजवान साथी, हर माता बहन सवेरे उठ के आज इस योग दिवस में आए। तो उस बात का हर जैसे अभी प्रशासन का और हमारे प्रधानमंत्री का एक सोच है, जब ये इस तरह के आयोजन करवाए जाते हैं तो लोग इसको खुद भी करने लग जाते हैं, अपने लेवल पे भी करते हैं और बहुत से लोग इसको रेगुलर करने लगते हैं, तो इससे काफी अच्छा बेनिफिट है। स्वामी आत्म प्रकाश हमारे के लिए आए हैं, उनका भी योग दिवस करने पार्टियों की पूरी जो योग दिया गया है, इसमें क्या कहना चाहिए? योग पीठ की तरफ से इतना समय दिया गया, योग दिवस का तो मतलब ये है कि हर आदमी योग कर सकता है। हमारे जो सहयोगी हैं, टीका या किसी चीज का कोई मुझे पतंजलि तो योग पीठ है, यहाँ पे देखने को जो मिला है वो बहुत बहुत ज्यादा है। ऐसा ठंडे दस्ते में नहीं जाता, लोग अपने लेवल पर बहुत करते हैं। पार्कों में जाके सवेरे देखो, मैं कई जगह बाहर जाते हैं, किसी शहर में घूमते हैं, चंडीगढ़ में घूमते हैं, यहाँ अपने शहर में भी आप देखो कितने बच्चे सवेरे होते हैं। योग दिवस पे सबको शुभकामनाएं, क्योंकि ये एक निरोग रहने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है। योग दिवस बहुत अच्छी तैयारियां प्रशासन की ओर से, क्या कहना चाहिए? देखिए जी, जैसे कि पहले ही हमने बताया था प्रशिक्षण के दौरान कि हमारा जो टारगेट है, हम 5,000 का टारगेट लेके चल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि लगभग 4,000 के करीब आज लोग यहाँ पहुँचे हैं, जिसमें आम जनता का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। सभी लोगों की जो आम जनता है उनकी जो गैदरिंग है बहुत ज़्यादा संख्या में रही है। इनिशियली हमारे दोनों साइड भरे हुए थे, लेकिन बाद में फिर जैसे कुछ बसें आई है या हमारे दूसरे और आम पब्लिक आई है, तो साइड में भी हमें मैट जो है वो बिछाने पड़ गए। उसके लिए पहले ही अरेंजमेंट हमने कर लिया था कि यदि ज़्यादा संख्या में आते हैं तो हमने मैट का अरेंजमेंट पहले कर दिया था। तो इसके साथ साथ मैं पूरा इसमें सहयोग, विभिन्न डिपार्टमेंट हैं उनकी मेहनत जो है इसके पीछे रही है, क्योंकि उन्होंने लगातार 15 दिनों से वो मेहनत कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन करवाई जा रही थी, लेकिन हमारी रजिस्ट्रेशन 2,500-3,000 तक की होती, लेकिन जो आम आदमी है वो बहुत ज़्यादा संख्या में पहुँचे। इसके पीछे मीडिया का भी बहुत ज़्यादा सहयोग हमारे को मिला है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार जो योग दिवस के शिविर हैं या योग दिवस की जो अपील है वो आप मीडिया में या अखबारों में लगती रही है, तो उसके लिए भी आपकी विशेष रूप से धन्यवाद दिखाते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे जो पब्लिक डिग्निटी हैं या जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनका भी यहाँ सहयोग रहा है कि उनके भी कार्य वाले हैं जो जनता प्रेम है, उसका भी कारण हो सकता है कि संख्या अच्छी संख्या यहाँ लोगों को मिलती है। और 5वां योग दिवस है, उस सभी को मैं मेरी ओर से पूरे संगीतों को, पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरह पूरा संसार योग दिवस को मान रहा है, उसी तरह हम कहीं ना कहीं आज पीछे नहीं रहे हैं और हमने दिखा दिया है कि हम जल्दी ही योग गुरु हम बनने जा रहे हैं।
अर्थ प्रकाश के लिए सफीदों से अभिषेक दीवान की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।